ਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 554ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛਿੰਟਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन सारी संगत को बहुत बहुत बधाइयां। परमात्मा करे सब लिए खुशियां भरा दिन आवे ते हमेशा चलते रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव दियाँ आल वर्ल्ड कुल दुनिया नू लख लख मुबारक होन। सच्चे पातशाह बाबा नानक हमेशा हर एक नू चढ़दी कला चबख्शे ते जीवन सफल कर। गुरु नानक देव जी के प्रकाश संगतों को लख लख बधाई हो। गुरपुरब है जी, सारे वर्ल्ड पता है कि अज असी बड़ी धूमधाम मना रहे हैं। ये चुबारा साहब गुरद्वारा साहब ने जो ये 17 दिन गुरु नानक साहब पातशाह साढ़े इतने आ गए सन किसी ब्राह्मण के चुबारे के खड़ावं गुरु साहबान दशोभित ने चुबारा साहब के संगत दर्शन कर निहाल होंगे ने। अज के दिन वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु नानक देव के जन्म दिहाड़े दिया संगतों नूं लख लख खुशियां। महाराज चरणी कला रखे, इस तरह ही संगतां नाल मिल के गुरु महाराज का हर जस करदे रहन ते चरणी कला रहे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव ते सारिया संगतों वालों हुमहमा के नगर कीर्तन का शुरुआत की गई है। हर साल की तरह ऐतक भी 12-13 पिंड नगर कीर्तन जाएगा। कल बहुत भारी समागम होगा जिद रागी ढाडी महापुरश आ के शुरुआत करे। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। पहला सारिया संगतान देशों विदेशों के दे बैठिया गुरपुरब दिया बहुत लख लख बधाइया। ये समागम पिंड चीटांवाला गुरद्वारा चुबारा साहब हर साल पहली पातशाही जी ने प्रकाश गुरु से हर साल बहुत ही उत्साह नाल इलाके ते नगर दिया संगतों वालों मनाया जाता है। घरले दिन बहुत वड्डा जिहड़ा है नगर कीर्तन का उपराला संगतों वालों किया जाता है। बड़ी श्रद्धा के भावना के नाल लोग ये समागम मनाउंदियां ने।